ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप आपकी शॉर्ट हैंड की जो एक्सरसाइजेस हैं वो सब प्रॉपरली मैनेज हो रही होंगी, आप रूल्स को प्रॉपर मैनेज कर रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था त का हुक, उस हुक से रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ कि जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं, प्लीज आप उनको प्रॉपर प्रैक्टिस में लिया कीजिए, बिकॉज अगर आप एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस में लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि रूल्स आपको ज्यादा इजी लगेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइजेस का मेन मोटिव ही यही होता है कि रूल्स को प्रॉपरली मैनेज किया जाए। तो चलिए हम बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी 26th एक्सरसाइज, जो कि डिपेंड है सिम्बॉलिक फॉर्म में। सिंबल्स दिए गए हैं जिन सिंबल्स को हमें ड्रॉ करना है हिंदी में, ठीक है। तो देखिए पहला जो वर्ड है, अब क्योंकि क्रिया शब्द है तो साउंड सारी नहीं दी जाएंगे, आपका शब्द बना है पीता, ठीक है। शब्द है सोता, शब्द है रोता, खेलता, चुकी अनुसार हंसी, क्या है अब ये शब्द आपका क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस हंसता भी हो सकता है और हंसती भी हो सकता है। सेम एज पीता पीती, सोता सोती, रोता रोती, खेलता खेलती, हंसता हंसती, ठीक है। ये डिफाइन हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये आपके वर्ब्स हैं, क्रिया शब्द हैं, ओके। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, मारता, लड़ता। सेकंड लाइन देखिए, यहां पर वर्ड है आपका बात, ठीक है, मात, खेल, खेल, सोता, मत, सेकेंड हो गया। अब क्या हो रहा है कि व्यंजनों के बीच में आ रहा है, तो थर्ड जो रूल है वहां बताया जा रहा है कि जब दो व्यंजनों के बीच में आए, तो पहला शब्द है आपका पतन, ये सरल रेखाओं में बताया, देखो प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी इजीली पता चल जाएगा। शब्द है रतन, तो कैसे आया आपका र त और न, तो यहाँ पूरा लिखोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्किल में इवन इस रा में ताका हुक नहीं लग सकता, क्योंकि कर्व व्यंजन से पहले आ रहा था और कर्व व्यंजन में हम इसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। रतन हो गया, ऐसे शब्द है आपका पति ही, पति ही, तो साउंड कहाँ शिफ्ट हुई, अगले व्यंजन के जो तीनों प्लेसेस थे वहां पर, तो थर्ड प्लेस की साउंड थी, तो इस व्यंजन की मतलब नेक्स्ट व्यंजन के ला पर थर्ड प्लेस पे, ठीक है। ऐसे शब्द है आपका कतार, कतार, ताकि साउंड कहां शिफ्ट हुई, अगले व्यंजन के पहले प्लेस पे, क्योंकि पहले प्लेस की साउंड थी। इसके बाद आपका शब्द है सदन,
सदन, सा का व्रत है, दा की व्यंजन रेखा है और ना रात। ठीक है, ये आपके थर्ड रो के वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट मैं आपके रिसर्च, इसमें बेसिकली आपके जो रूल्स आ रहे हैं वो रूल्स आपके वही आए हैं कि आपके लेटर्स को कहां कैसे किस साउंड के अकॉर्डिंग बनाना है वो एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फोर्थ देखिए, शब्द है उपस्थित। अभी देखिए सा का व्रत मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, तो वो रूल तो आपका आना ही आना है ना। इसके बाद आपके जो अदर रूल हो रहे हैं वो भी सिस्टमेटिक एडजस्ट होते जाते हैं, मतलब जहां पर जो नियम सही ढंग से आप लगा सकते हैं उसी के हिसाब से आप शब्द को बनाइए। ठीक है, तो जैसे शब्द है आपका उपस्थित, क्या हुआ ठीक है, उपस्थित इस तरह से बनाएंगे आप शब्द को। जैसे शब्द है आपका मुक्त, क्या है माँ की साउंड अपनी जगह पे ही लगा दीजिए ठीक, या आप इस साउंड को यहाँ ना लगा के अभी चूंकि का आ रहा है माँ के बाद तो आप यहाँ भी लगा सकते हो मुख। इसके बाद आपका शब्द है नाक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पत्थर, तो प ठीक है पत्थर, सॉरी आपका शब्द आया है पत्थर तो ता का मुद्दे आएगा पत्थर, ठीक है पत्थर शब्द आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद आपका शब्द है मंदर, म न ठीक है तर, इस तरह से आप बनाएंगे शब्द को, मंदर हो गया। फिफ्थ लाइन में देखिए क्या वर्ड आ रहे हैं आपसे, यहाँ हमने लिखना है शब्द है आपका बस्ती, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सीमित, ठीक है त्याग, त्याग त्याग। इसके बाद आपका शब्द है कतरंग, कत रिना का नहीं बनाया इसे कतरंग, ठीक है। इसके बाद आपका शब्द आता है पुस्तिका, तो देखिए पाया साया पुस्तिका, पुस्तिका। साउंड का बहुत ध्यान रखिएगा, साउंड कहाँ पर कैसे लगनी है इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सिक्स रो, देखिए यहाँ पर वर्ड क्या आया है अक्षत, तो ये छ आया ये त आया और ये अक्षत, अक्षत। इसके बाद वर्ड आ रहा है आपका आघात, घामिता आघात, ठीक है। अंत कर्व लाइन में डैश के साथ बनता है तो अंत, इक्षित ठीक है, ये वर्ड है आपका इच्छित। इसके बाद आपका शब्द है रहित, ई की मात्रा अपनी जगह पर, ठीक है। तो ये जो आपके थे ये आपके कैसे वर्ड्स थे, नॉर्मल वर्ड से डिफाइन होके बन रहे थे। अब जो वर्ड्स आपके आ रहे हैं इवन ये सेंटेंसेस हैं, तो नेक्स्ट जो सेंटेंसेस है आपका सेवेंथ वाला, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, शब्द चिन्ह अच्छे से देखेंगे, शब्द चिन्ह याद करने का बेस्ट मेथड एक्सरसाइज ही है, वास्तव में, वास्तव में ताकत का होना एक बहुत बड़ी
है। देखिए सारे शब्द चिन्ह आ रहे हैं, तो क्या वास्तव में ताकत वक्त का शब्द चिन्ह है आपका, तो कैसे आया? ताकत का होना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसको वही हासिल कर सकते हैं जो सर्वथा कायदे, ठीक है। यहां पर इतना ही आ रहा है, पहले मैं इसी को बना दे रही हूं। तो क्या है, इसको वही हासिल जो है आपका साक्षी व्रत से बनेगा हासिल, तो हासिल कर सकते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कॉम्बिनेशन कैसे करना है, शब्द चिन्ह भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जहाँ ये मैंने डैश लगाया है, ये सारे लेटर्स मैंने एक शब्द से डिफाइन किए। ध्यान रखिए मैं हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ आपको शॉर्ट वर्ड्स बताती हूँ, तो उन वर्ड्स को एक सेपरेट कॉपी बनाइए, उसमें प्रैक्टिस में लिखिए, इवन लिख लीजिए, प्रैक्टिस अपनी अलग से कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको अटेंडम अगर देखना होगा, याद करना होगा, तो इसी मेथड से आप उसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो कर सकते हैं जो ऑलरेडी एक शब्द चिन्ह है, जो सर्वथा कायदे, ठीक है। इतना लिखिए, मैं ऊपर कह नहीं सकती, जो सर्वथा कायदे इसी सेंटेंस का ऊपर जाएगा, कायदे में से रहते हैं, ठीक है। जो सर्वथा कायदे से रहते हैं और कोई ऐसी चीज नहीं खाते पीते पीते जिससे हमें हानि हो, ठीक है। तो से रहते हैं, साउंड दे देंगे यहां पर, एक ही साउंड को डिफाइन करेंगे, और कोई ऐसी चीज जाकर है, हाँ ये चीज नहीं खाते इवन खाते पीते जिससे हानि, ठीक है। इस तरह से ये आपका पूरा बन गया सेंटेंसेस को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस में लिया कीजिए, जिससे आपका फ्लो भी बनेगा और आपको लिखना भी आएगा, आपको समझ आएगा कि किस तरह से वहां पर हमने क्या एडजस्ट करना था, ठीक है। अब देखिए एट जो है आपका वक्त का विचार कर जो काम करते हैं वे क्या नहीं कर देते। तो वक्त का शब्द चिन्ह है ताकत वक्त का विचार, ये जो विचार का मैं बना रही हूँ, आप इसे ऐसे शब्द चिन्ह भी दे सकते हैं, और कई सारे शब्द इससे बनेंगे जब मैं आगे आपको एक ही शब्द से मल्टीपल वर्ड्स जब बनते हैं वो एक्सप्लेन करूंगी, तब इससे कई शब्द आपके बन जाएंगे, ठीक है। विचार कर जो काम करते हैं आप इस तरह से बना सकते हो, हैंड टू में अच्छा आएगा, वे क्या नहीं कर लेते, ठीक है।
हमेशा चीजें वो देखिए जो इन फ्यूचर आपको एक नए रूल की तरह ना लेनी पड़े। इसलिए मैं जब भी एक्सरसाइज आपको बताती हूँ कोशिश करती हूँ कि वो वर्ड या वो टैग उसमें ऐड करूँ जो इन फ्यूचर आप बहुत जल्दी कैच करना है, क्योंकि अभी जब मैं यह एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करी हूँ तो आप उसको प्रैक्टिस में भी लेंगे। प्रैक्टिस में अगर वही घिसे पिटे रूल्स के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे तो वो उतना ज्यादा इम्पैक्टेड नहीं होगा। बेटर थिंग इज दैट कि हम एक नई वे में उसको मैनेज करें। तो इसीलिए मैं आपको इस तरह से जगह जगह पे बताती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि बड़े शब्द को मिलाओ, ये आगे का है, वो मैं आगे ही बताऊंगी। अभी हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। क्या नहीं कर देते वह खेलते कूदते यहां कहते सुनते यहां तक किताब पढ़ते समय भी वक्त का विचार रखते है ना। खेलते क्रिया है तो क्रिया के अकॉर्डिंग आपका होगा वह खेलते कूदते कहते, वो कहते का भी क्रिया शब्द है आपका, तो कहते सुनते ठीक है, उनके समझ यहां तक की किताब का भी आपका क्या है तक, आप ऐसे तक की किताब पढ़ते समय भी वक्त का विचार रखते हैं ठीक है। इस तरह से यहाँ पे तो क्या हुआ पूरा आपका रखते हैं, ये मैंने कंबाइन किया है यहाँ पर ठीक है। इसके बाद देखिए ऊपर का इरेज कर रही हूँ, तुम्हारे साथी ने मेरे वास्ते ऐसा क्या ज्यादा किया है जो इतराते हो, ठीक है। तो क्या हुआ तुमने अथवा तुम्हारे, सब लाइन पे बनी गई है, तुम्हारे साथी, क्योंकि तुम और तुम्हारे लाइन का है, अथवा लाइन के ऊपर है, साथी ने मेरे, ठीक है, मेरे का ऑलरेडी आप सब बता चुकी हूं मैं, मेरे वास्ते ऐसा क्या ज्यादा, ज्यादा का शब्द चिन्ह आपका हो चुका है, किया है जो शब्द आया इतराते हो ठीक है। लास्ट एंड टेंथ है आपका, तुम इकट्ठे इकट्ठे आ रहे हो इसलिए एकदम भाग ठीक है।
देखिए तुम का ऑलरेडी है, इकट्ठे का भी आपका शब्द चिन्ह है, इकट्ठे आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे साउंड दे देंगे, इसलिए इसलिए एकदम का भी शब्द चिन्ह है भाग, ठीक। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, अब मैं डिक्टेशन देने वाली हूँ, प्लीज आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। एक्सरसाइज में जितने भी वर्ड्स हैं, जहां भी टैग यूज किया है, कोशिश कीजिएगा कि जब आप डिक्टेशन करें, क्योंकि पहले तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस में लेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद में कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप इसको कंटिन्यू करते हैं, तो जो टैग वर्ड्स मैंने यहाँ पे रहे हैं, करते हैं, किया है, इनको प्रैक्टिस में लें, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपकी ग्रिपिंग भी अच्छी आएगी और आपकी स्पीड भी अच्छी मैनेज होने लगेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए धीरे धीरे ही सही, आप उन चीजों को, आप उन वर्ड्स को कैच करते जाओगे जो आपने प्रॉपर मैनेज करना है। तो चलिए कॉपी और पेंसिल प्रिपेयर कर लीजिएगा, स्टार्ट करने के बाद मैं डिक्टेशन देना शुरू करूं। स्टार्ट। पीता, सोता, रोता, खेलता, हंसता, मारता, लड़ता, बात, मां, खेल, खेत, सोता, मत, मां, पतन, रतन, पतीली, कतार, सदन, रात, उपस्थित, मुक्त, नाक, पत्थर, मंत्र, बस्ती, सिमट, त्याग, कतरन, पुस्तिका, अक्षत, आधार, अंत, इच्छित, रहित, वास्तव में, ताकत का होना एक बहुत बड़ी बात है, इसको वही हासिल करता है जो सर्व रहता है, और कोई ऐसी चीज नहीं खाते पीते जिससे हानि हो। वक्त का विचार कर जो काम करते हैं वे क्या नहीं कर सकते, वह खेलते कूदते, कहते सुनते, यहाँ तक कि किताब पढ़ते समय भी वक्त का विचार रखते हैं। तुमने अथवा तुम्हारे साथी ने मेरे वास्ते ऐसा क्या ज्यादा किया है जो इतराते हो तुम इकट्ठे आ रहे हो, इसलिए एकदम भागो। कैसी रही आपकी डिक्टेशन? इट मे बी कि पहली बार लिखा होगा तो कई सारे शब्द छूट गए होंगे, बट जब आप इसको दो या तीन बार प्रैक्टिस में कर लेंगे तो आपको ये रूल्स बहुत ज्यादा बाय हार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और आप इनको प्रॉपरली मैनेज भी कर पाएंगे। बेसिकली शॉर्ट हैंड में मैं जो आपको ये डिक्टेशन दे रही हूँ, मोटिव यही है कि आपको रूल्स प्रॉपर याद हो जाए, आपका हाथ फ्लुएंसी में चले, फ्लो आए आपके हाथ में, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना, वहां पे आपके हाथ का फ्लो बहुत जरूरी है, हाथ अटकेगा तो काम नहीं होगा, ठीक है। और ये चीज अगर इनिशियल लेवल से ही मैनेज होती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज शुरुआत से ज्यादा फायदेमंद है या बीच में उसको डालो तो ज्यादा फायदेमंद है,
ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, प्रॉपर उसके रूल्स को देखिएगा, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिएगा, जिससे कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो आप कमेंट में कीजिए, मैं उसको शॉर्ट आउट करूंगी। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो आपके एक्सरसाइज के वीडियोस होंगे और आपके नए बुक के वीडियोस होंगे। तो हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज कंटिन्यू रहिएगा, वीडियो को वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो दूसरों को भी प्रमोट कीजिएगा।